खबर इंदौर से, पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, कमरे में पड़ी थी खून से लथ सनी लाश। इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दोहरे हत्याकांड ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। हत्या किसी और की नहीं बल्कि पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की हुई। यहां रहने वाले ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम की किसी ने चाकू से गोदकर देर रात हत्या कर दी। सूचना के बाद एरोड्रम पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद के चलते होना बताई जा रही है। पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे और अन्य जानकारी जुटा रही है। डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्रा के अनुसार घटना एरोड्रम थाने के रुक्मणी नगर की है। यहां रहने वाले 15वीं बटालियन में पदस्थ ज्योति प्रसाद और नीलम की सुबह खून से लथपथ लाश घर पर मिली। संभवतः पारिवारिक विवाद के कारण देर रात हत्या की गई। सूत्रों के अनुसार मकान दो भागों में, एक में ज्योति के माता पिता रहते हैं जबकि दूसरे भाग में पुलिसकर्मी अपने 18 साल के बेटे और 17 साल की बेटी सहित पत्नी के साथ रहते थे। बेटा दूसरे भाग में पुलिसकर्मी के माता पिता के साथ सो रहा था जबकि बेटी घटना वाले घर पर थी। सुबह बेटा उठा और अपने घर पहुंचा तो माता पिता की लाश देखकर चीख उठा। आवाज सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे, उन्होंने तत्काल पुलिस को कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और आला अधिकारियों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि 17 साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं है। इंदौर 24 न्यूज प्लस ब्यूरो। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।